नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो उत्तराखंड की हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते थे, किसी कारणवश उन्होंने अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, तो ये अंतिम मौका है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि यूनिवर्सिटी जो है अपनी वैकेंट सीट का जो है वो मैट्रिक जारी करेगी, जो कि उन्होंने जारी कर दिया, देखिए आप देख सकते हैं। और 18 सितंबर को जो है वो डायरेक्ट काउंसलिंग होनी है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बेस्ड ऑन CUT UG मेरिट एंड ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय द ड्यू डेट। यानी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने कभी भी जब उनका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हुआ था, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, तो आप 18 तारीख को जो ये जो काउंसलिंग होने वाली है, ओपन काउंसलिंग होने वाली है, ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है वैकेंट सीट के लिए, इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कहाँ पर पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है, वो मैं सारा आपको बताने वाली हूँ। और प्लीज़ मैं आप सारे बच्चों से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा वीडियो देख लिया करो, आराम से देखा करो, क्योंकि हमारा चैनल कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी हेल्प आप लोगों के लिए कर ही देता है। मैं बच्चों के लिए बकायदा कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ना कैसे करके एडमिशन हो जाए, लेकिन अब जब आपके पास पूरा ओपन मौका मिला है ना, आप जाइए और अपना एडमिशन कराइए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तराखंड में आपको पता है डेली कुछ ना कुछ लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्द जो है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट। अब मैं आपको बताती हूँ पढ़ के से, देखिए इसमें लिखा है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप लोगों को पता है, नोटिस फॉर द वैकेंसी ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग काउंसलिंग ऑन 18 सितंबर 2024। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होना है और बेस्ड ऑन CUT UG मेरिट एंड ओनली फॉर द कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय द ड्यू डेट। इन्फॉर्म इट इज़ इन्फॉर्म दैट ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग काउंसलिंग है बेस्ड ऑन CUT UG स्कोर के आधार पे होगा। ठीक है, फॉर एडमिशन इन द सेमेस्टर बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि एक बच्चा उदय नाम है, पोखरियाल आई थिंक हरिद्वार के रहने वाले हैं, वो भी मुझे बोल रहे थे, तो उनके लिए भी ये वीडियो मैंने उनको बताया था। और CSE में है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में है, तो 18 सितंबर को है और आपको 10 बजे तक पहुँच जाना है। देखो 10 बजे से ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, रिपोर्टिंग टाइम, और उसके बाद आपको कैंडिडेट को क्या क्या लेके जाना है साथ में। सबसे पहले तो आई होप कि सब लोगों ने समर्थ पोर्टल पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया होगा। ठीक है, और जिनका ये बोल रहे हैं कि जिन बच्चों का इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने ये बोली है, एक बच्चों की फर्स्ट द सीट अलॉटमेंट विल बी डन फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जो पहले जो सीट है वो उन्हीं को दी जाएगी जो कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे। उसके बाद दूसरा उन्होंने बोला है, टिल द लिस्ट इज एग्जॉस्टेड, जैसी लिस्ट जो है, जो कि नीचे जो लिस्ट दी गई है मैट्रिक्स, अगर वो खत्म हो जाएगी, आफ्टर द लिस्ट एग्जॉस्टेड द अलॉटमेंट ऑफ द सीट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द न्यू चॉइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट विच आर नॉट फिल्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि बाकी अगर कुछ सीट बच जाएगी, मान लो कि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में अगर पूरी सीट खाली हो जाएगी, पहले उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया, तो बाकी अगर मैकेनिकल या किसी दूसरे ब्रांच में होगी तो आपको उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑफलाइन फिजिकल काउंसलिंग, जिन उन बच्चों को नहीं बुलाया है जिन्होंने बीन ऑफर्ड सीट इन एनी ब्रांच ऑफ द बीटेक प्रोग्राम बट नॉट सबमिटेड द फीस, जिनको कि सीट जो थी और बीटेक में ब्रांच में दिया गया था लेकिन उन्होंने फीस सबमिट नहीं किया है, ऑलरेडी विड्रॉल दियर एप्लीकेशन, जिन्होंने ऑलरेडी अपना जो है एप्लीकेशन विड्रॉल कर लिया और नॉट रिपोर्टेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट इवन आफ्टर सबमिटिंग द फी, और जिन्होंने जो ड्यू डेट होती है फीस की, अगर फ्यू ड्यू डेट पर भी फीस सबमिट नहीं किया, तो वो उन लोगों को जो है इस काउंसलिंग में आने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ बोला है। ठीक है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ये तो आपको पता है कि 10वीं 12वीं का मार्कशीट, CUT का स्कोर कार्ड, और जो भी आपने आधार कार्ड, फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और प्रिंटेड फॉर्म एप्लीकेशन जो समर्थ पोर्टल पे लिखा है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लेके आनी है। इफ़ एडमिशन ऑफर द कैंडिडेट हैज़ टू टेक एडमिशन 5 PM एट 18 सितंबर फिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फीस, अगर मान लीजिए कि अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है काउंसलिंग के दौरान, तो फीस भी आपको ऑन द सेम टाइम जो है वो सबमिट करनेगी, जैसे कि डिपॉजिट, ट्यूशन फीस वगैरह,
वगैरह, और अगर आप ये फीस नहीं सबमिट करते हैं तो वो बोला है विच अलॉटेड सीट टू हिम आर विल बी ट्रीटेड एज अ कैंसल्ड। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस दिन काउंसलिंग होगी आप ये मान के चलिए, अगर आपने अभी तक की जो उन्होंने रूपरेखा बताई है इसके हिसाब से कि भाई अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं किया है, फीस वगैरह सबमिट की है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी गारंटीज चांसेस ऑफ एडमिशन गारंटी के 99% ज़्यादा है, ठीक है। तो आप फीस वगैरह भी लेके जाएंगे, और नहीं लेके जाएंगे तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों, सब बच्चों के लिए कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी बीटेक में कोई और इसमें एडमिशन कराएगी। तो प्लीज़ आप देख लीजिए अपना, और बाकी इस मैट्रिक्स को भी देख लो, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इस चैनल पर भी, और जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है CUT UG का उसमें भी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।